लाडो जी कैसे हैं? अच्छा अमरीश जी कैसे हैं आप? आज हम लोग आपके माता जी के 13वीं पहुँचे हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे लाडो भाई? कहना क्या है, अब माता जी तो फिर अब स्वर्गवास हो गया, अब आज उनकी 13वीं है, आज सब लोग आए हैं और हम जिस दिया दुख में है जी, सब लोग आए और मेरी ताकत बढ़ाए। मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने इस परिवार को, जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री से भोजपुरी मित्र मेरे अजीज भाई लाडो जी, विष्णु शंकर मिलू जी, छोटू छलिया जी, मुकेश जी, गणेश जी के यहाँ से भी लोग आए और भी लोग आ रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो घड़ी है सिर्फ उन लोगों की ही ताकत की ज़रूरत है और बिल्कुल लोग हमारे साथ खड़े हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अमरीश जी, मम्मी को कितना मिस करते हैं और कुछ बचपन की बातें बताएं जो सबसे यादगार हो आपके लिए। मैं माँ के बारे में तो इतना ही कहूँगा, माँ तो माँ ही होती है, मैं बहुत सब कुछ कमा लूँगा, बड़ा हो जाऊँगा, लेकिन उनकी ममता और उनका प्यार सदैव मेरे साथ रहेगा। जैसे कि जिस प्रांगण में मैं बैठा हूँ, इस घर का नाम ही विद्याभवन है, उन्होंने रच रच के हर चीज़ों को, मेरा घर का नाम सोनू है, तो मैं बचपन से ही मुंबई चला गया पढ़ाई के दरमियान, लेकिन पढ़ाई करते करते कला जगत से जुड़ा, जिस परिवार से जुड़ा वहाँ प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला, तो मैं उस आशीर्वाद और परिवार से कुछ अंश इस घर में दे पाया, तो हमेशा यही कहती थी कि मेरा सोनू यहाँ से ही बने हैं, हमारे सोनू यहाँ से ही करिए, हमारे बहुत सारी खुशियाँ है जो याद है। मुन्ना जी क्या कहेंगे? ये झारखंड में किया बस, यही बहुत टाइम के बाद छोटू का माँ की कमी ना पूरा है, दुनिया में कोई बुरा नहीं कर सकते, आज छोटू अपनी माँ को भी याद करके इस माँ के लिए हम आए हैं, और हमारे जैसे उन्होंने कहा कि सारा परिवार पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा परिवार है और आज हम सब एक साथी हैं और हमेशा इसी तरह साथी रहेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.